Can you tell me the exact way of CPR or BLS? General so people BLS even do not know. BLS is a training course, ideally. I can tell you, and I can give you a brief idea. But it's an easily available course on internet. You can go on YouTube. So basically, what it has to be done is the patient को सबसे पहले आपको सिर्फ लगना है, उसको देखना है कि उसके पल्स चेक करनी है, कि उसके हार्ट चल रहा है, उसकी सांस उनके देखना है, उसकी सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर पल्स भी नहीं चल रही है और सांस भी नहीं आता, इसका मतलब और वो बेहोश है पूरी तरह, इसका मतलब है कि उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है. तो आपको बहुत सिंपल तरीके है, उसको चले लेटर देना है, उसके सेंटर ऑफ चेस्ट के ऊपर जब वो लेटा हुआ है, जो ये हमारी सेंटर ऑफ चेस्ट की बोन होती है, साइड लेफ्ट में नहीं करना है, लेफ्ट में रिप्स होती है, आप लेफ्ट में करेंगे रिप टूट जाती है. सेंटर ऑफ चेस्ट की बोन पूरी होती है, बाद में छोटी छोटी रिप्स निकली होती है. तो सेंटर ऑफ चेस्ट की बोन के ऊपर सेंटर में उसको रखना है और इसी के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखना है और ऐसे बैठ के, जैसे मान लीजिए नीचे लेटा हुआ है, इनको मोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं जाना, पूरा हाथ सीधा रख के ऐसे करके उसको दबाना है कि कम से कम 2 इंच चेस्ट नीचे जाए. तो ऐसे उसको दबाते रहना. नॉर्मली स्पीड होनी चाहिए 700. देयर मल्टीपल वेज कि आप कितनी बार उसको दबाएं, कितनी बार सांस दें. कभी हम कहते थे पहले कि पहले 5 बार दबाएं फिर 1 बार सांस लें. अब हम ये कहते हैं कि अगर दबा आप सांस ना भी देना चाहें, मतलब मुझसे मुंह सांस देना बुरा लग रहा है मुझे, मैं नहीं देना चाहता. अगर आप सिर्फ चेस्ट को दबाते भी रहेंगे तो उससे हार्ट भी पंप करेगा और चेस्ट एक्सपैंड होगा तो उसको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है. तो मुंह से मुंह सांस लेने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यूअसली 1 मिनट में 70 से 100 बार दबाना है और उसको प्रेस करते रहना है अंदाजा, और उसको करते रहना, उसमें रुकना नहीं है बीच में. अगर आप थक गए हैं तो दूसरा जना आके कर दें. हाथ मोड़ने नहीं चाहिए, पूरा सपोर्ट होना चाहिए कि अच्छे से चेस्ट प्रेस हो. ऐसे नहीं कि हल्का हल्का दबाने से कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे से प्रेस होना चाहिए. इतना ज्यादा जोर से भी नहीं लगाना कि पूरा चेस्ट ही दब जाए, हड्डी टूट जाए, बट उसको दबाना है. यही बेसिक चीज है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. आप नेट पे जाओ. हार्ट अटैक के रीजन क्या होते हैं बेसिकली? जो हार्ट अटैक के रीजन में सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक का है आपकी आज की डेट में जो मानते हैं जेनेटिक टेंडेंसी. अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली प्रोन है हार्ट अटैक होने के लिए, जरूरी नहीं कि सभी को हो. तो बॉडी में बेसिकली दो तरह के जीन हो, दो जीन होते हैं. जब दोनों जीन एक साथ हो जाएगी हार्ट डिजीज के तो चांस बढ़ जाएगा. होता है कि आपके फादर को एक जीन हो, आपकी मदर को एक जीन हो, दोनों के जीन आप में आ गए, आपका चांस बढ़ गया. तो अगर जेनेटिकली आप प्रोन है, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके चाचा मामा का ब्लड रिलेशन कोई प्रॉब्लम है, फीमेल से पूछते भाई आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कहते हैं मेरे हस्बैंड को हुआ है, उनके हस्बैंड सर का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. उसकी खुद की फैमिली में अगर मदर फादर चाचा ताऊ किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. सेकेंड बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है. अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कहने को बहुत चीजें आती है कि खाने के कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारा आ रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है. बिल्कुल सही बात है कि खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसको आप खाते हैं, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया. हम ऐसा मानते हैं कि ज्यादा ऑयल खाएंगे आप तो ऐसा बढ़ सकता है, लेकिन किसी के ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज्यादा है. ये 100% प्रूव फैक्ट है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए. इनिशियली 6 मंथ तक हम कहते हैं पहले एक्सरसाइज करके देखिए, एक्सरसाइज से कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो दवा शुरू. तो जेनेटिक जो बता रहे हैं, जेनेटिक का पहले पहचान हो जाएगी हमारे मुएसा जिन से? जेनेटिक का पहचान की काफी कोशिश की गई, हमने भी काफी रिसर्च की है, लेकिन अभी तक कोई एक चीज को हम पिनपॉइंट नहीं कर पाए. तो किसी की फैमिली में अगर नहीं है तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको जेनेटिक है कि नहीं है. अगर किसी की फैमिली में हो रहा है, मान लीजिए आपके फादर को हो गया, स्पेशली जो जल्दी एज में हो रहा है, 60 साल 70 साल के बाद अगर किसी को होता है तो वो तो हम मानते हैं कि किसी को भी होता है, वो एज की वजह से हो रहा है. अगर 65 साल से पहले या 55 साल से पहले या 40 साल में, आजकल 25 साल में एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करी गई, उसकी तीनों नसें बंद है 25 साल, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोन है बीमारी के लिए. जो भी हम करते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास या स्टेंट, हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लॉकेज बन रहा है उसको खोल दे रहे हैं. जिस वजह से ब्लॉकेज बन रहा है उसका कोई इलाज नहीं है. वो ब्लॉकेज 5 साल 10 साल में फिर दोबारा बन सकता है, उसको फिर दोबारा इलाज करना पड़ेगा. तो आपको जो जो चीज पॉसिबल है बचाव की वो सभी करनी है. पहली चीज एक्सरसाइज, दूसरी चीज अपनी हेल्थ के लिए वेट को बहुत ज्यादा ना बढ़े. नॉर्मली बॉडी की टेंडेंसी क्या है, आप जो भी खाएंगे बॉडी को उसको स्टोर करना है, बॉडी में जो अच्छी एक्स्ट्रा है और स्टोर करती है फैट के रूप में. अब वो फैट को बॉडी पेट में स्टोर करेगी तो बॉडी में कहीं भी स्टोर कर सकती है. अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है तो हार्ट में स्टोर हो जाएगा, ब्लॉकेज बन जाएगा. तो आप कुछ भी खाएं, अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो टेंडेंसी है. केवल फैट से कुछ नहीं होता, हम कहते हैं आज की डेट में फैट की बजाय मीठा ज्यादा डेंजरस है. ऐसी कोई भी चीज जो इजीली पच जाती है, मीठा खाएंगे बहुत जल्दी पच जाता है, उतने जल्दी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो बॉडी को
फॉरन फैट को बदल के स्टोर कर देगी। फैट को पचाने में टाइम लगता है तो उसमें फिर भी टाइम लगेगा। तो मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ऐसी चीज जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है वो नहीं खानी। जैसे मोटे लोग हम आजकल क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते ऑयल बंद करो, हम कहते हैं रोटी बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, दिन भर में सिर्फ एक चपाती खाओ आप पतले हो जाओगे। सब्जी कितनी भी खाओ, अंडा खाओ, पनीर खाओ, तेल खाओ, घी खाओ, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, अनाज बंद कर दो। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं खाना चाहिए। अगर आपका वजन बढ़ रहा है इसका मतलब आप जितनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, इसीलिए बॉडी इसको स्टोर कर रही है। बहुत सिंपल सी चीज है, बरसों से चली आ रही है, कोई इसमें साइंस नहीं है। जो आप खाएंगे ज्यादा खाएंगे तो स्टोर होगा। लोग कहते हैं हम तो हवा खाते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा स्टोर होने के लिए। अगर आप बिल्कुल नहीं चलेंगे तो आपके लिए एक रोटी भी ज्यादा है। जो भी खाना है उसको पचाना है, एक घंटा रोज वॉक कीजिए, आपको जो खाना खाइए, हम कहते हैं कुछ बनाई नहीं है आप सब खाइए, तो एक घंटा वॉक करेंगे जो भी आप खाएंगे पच जाएगा तो जमा नहीं होगा। माता पिता दोनों के जींस में हार्ट डिजीज हो और उसके बाद भी कोई उपाय से उसको रोका जा सकता है एक्सरसाइज से? बेसिकली अब ये नई चीज चल रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, बेसिकली हार्ट अटैक को बचाना। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग काफी काम कर रहे हैं, इसमें काफी रिसर्च भी हुई है। एक बीमारी एक जीन होता है जो हमने पता लगाया कि चाइनीज लोगों के अंदर एब्सेंट होता है, उन लोगों को हार्ट डिजीज होती नहीं। अच्छा। उनका शुरू से ही कोलेस्ट्रॉल बचपन से हमेशा 30-40-50 के ऊपर जाता ही नहीं, तो उनको डिजीज डेवलप ही नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है, तब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब तक तो डिजीज बढ़ चुकी है, फिर हम उसको कम नहीं कर सकते। अब हम ये कहते हैं इसको अर्ली एज पे ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक दिया जाए। अभी तक बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है कि हमें इतनी जल्दी इसमें दवा देनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि दवाओं के भी साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ नई दवाएं भी आई हैं जो भी बहुत महंगी हैं, जिनसे कोलेस्ट्रॉल को हम बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट एक बार उनकी आ जाएगी तो कंफर्म होगा कि क्या उसको हम फिर रोक सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमें बहुत अर्ली एज में काम करना पड़ेगा और बहुत लंबे टाइम तक दवा देना पड़ेगा, वो एक मुश्किल काम है। इसीलिए हम कहते हैं बाकी चीजें जो पॉसिबल है, स्मोकिंग छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, खाने पे कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। स्पेशली उन लोगों के घर में जिनके घर में किसी ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, उनको इन चार चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम ना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्यादा है और आप एक्सरसाइज एक घंटा कर रहे हैं, खाने पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो आपको दवा खाने शुरू करना। मिनिमम कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा जनरल टर्म है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं एलडीएल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं एचडीएल, एक और कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, एक और होता है उसको बोलते हैं नॉन एचडीएल। तो ऐसे बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के पार्ट होते हैं, कम से कम 15-20 पार्ट है। सबसे जो डेंजरस हम मानते हैं वो मानते हैं एलडीएल को। एलडीएल की वैल्यू कभी भी 100 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर 70 है तो बहुत अच्छा है। पहले कहते थे 50 से कम होगा तो सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन अब ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ, 30 भी रहे तो बहुत अच्छा है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो 40 के ऊपर रहना चाहिए एचडीएल, वो 40 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इनके लिए कोई दवा नहीं बनी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल की फिर भी दवा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोई दवा नहीं, उसके लिए एक ही दवा एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहला काम है कि पेशेंट को बैठे नहीं रखना है, उसको लेटा देना है। जब वो लेटेगा तो उसकी पांव का बॉडी का ब्लड ब्रेन में चला जाएगा, हार्ट डैमेज होने से कुछ नहीं होता, हार्ट रिकवर कर जाता है, ब्रेन रिकवर नहीं करता है 10 मिनट के बाद। उसको लेटा दे सबसे पहले, जैसे मैं बता रहा था पहला पेशेंट जो पैसे वाला था गाड़ी में आया था, उसके साथ सब लोग थे, वो गाड़ी में बैठे बैठे उसको आधा घंटे जैम में घुमा के हमारे पास पहुंचे। अगर वो उसको वहीं पे गाड़ी में लेटा देते, उसके पांव ऊंचे कर देते, साथ में कोई उसका चेहरा दबाता था अंदर, तो वो हॉस्पिटल आके जिंदा बचता, लेकिन किसी ने वो नहीं किया, इसलिए उसकी डेथ हो गई। और जो दूसरा पेशेंट था वो उसका वहीं पे लेटा दिया उसको उसने, और पूरे टाइम चेस्ट को प्रेस करता रहा वो, इसलिए उसकी जान बच गई। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये चीज सभी को आनी चाहिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज है अपने आप को बचा के रखना है हार्ट डिजीज से बचने के लिए। अगर आपकी बॉडी में जेनेटिक टेंडेंसी है, अगर आप वॉक नहीं करते हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको मोटापा है, अगर आप स्मोक करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज्यादा है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं चेकअप के लिए कि सब चेकअप कर दीजिए कि हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, तंबाकू खाना कोई नहीं छोड़ता, वॉक कोई नहीं करना शुरू करता, वो चाहते हैं जांच करके बता दें कि क्या होगा। भगवान ने बॉडी ऐसी बनाई है कि जब तक ब्लॉकेज 80% नहीं हो जाएगा, किसी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं पकड़ में आएगा जब तक हम एंजियोग्राफी ना करें। तो ये भगवान ने अच्छा ही करी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे जब कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तब भी तो लोग जीते ही रहते थे, इसलिए जी जाते थे कि भगवान ने एक्स्ट्रा दिया था। आज ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि जब तक बीमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती है पता नहीं चलता,
सब कहते हैं आगे हमेशा कोई तकलीफ नहीं है, आपको कह रहे हो ब्लॉकेज है, जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, फिर करके क्या करेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये भगवान ने हमें अच्छी चीज दी है कि हमें आखिरी स्टेज तक भी तकलीफ नहीं आती है, लेकिन इसको उल्टी राइज कर नहीं लेना चाहिए कि तकलीफ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। डॉक्टर साहब आजकल एक जो पूरे देश भर समस्या चली स्मॉग की, आपकी दिल्ली में स्मॉग एक बहुत मेजर समस्या है, उसका हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है? उसका बहुत सारी स्टडी हुई है, सबसे बड़ा असर उसका लंग्स पे पड़ता है, उसकी वजह से जिनकी लंग की बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है और उसकी वजह से अस्थमा दमा ओल्ड एज में सीओपीडी बीमारी उससे बढ़ जाती है। लेकिन हार्ट पे भी इसका असर पड़ता है, लेकिन हार्ट पे असर इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि एक तो जब आप वॉक कर रहे हैं आपको ज्यादा एयर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जब आप वॉक कर रहे हैं स्मॉग की वजह से वो एयर नहीं मिल पा रही है तो उल्टा बॉडी को नुकसान हो रहा है। ऐसा ये नहीं कि स्मॉग की वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आपकी नसें हार्ड हो जाएंगी, तो उससे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि ये बर्डी को जलाया ना जाए, और जलाते भी को सबसे सस्ता होता है, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पैसा खर्च करके जो इतना पैसा हम लोगों से टैक्स में लेती है उसको खरीद लें, चाहे कितने भी रेट पे खरीदे इसको, कम से कम फार्मर को पैसा मिलेगा तो जलाएगा नहीं वो, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सर इज देयर एनी स्पेशल एक्सरसाइज यू कैन रेकमेंड अपार्ट फ्रॉम फॉर हार्ट? देयर इज नो स्पेशल एक्सरसाइज, वेरी सिंपल थिंग व्हाट वी आर सेइंग टू एवरी पेशेंट इज दैट यू शुड गो फॉर ब्रिस्क वॉक, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज रिक्वायर्ड टू गेन एनी बेनिफिट फ्रॉम वॉक। कैन टाइम बी रिकमेंडेड फॉर वॉकिंग? मिनिमम 30 मिनट्स वी से 5 डेज अ वीक। व्हेन इन द मॉर्निंग इन द देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग, वी से दैट इट शुड नॉट बी वेरी कोल्ड, इट शुड नॉट बी वेरी हॉट, एंड देयर शुड नॉट बी मेजर स्मॉग और सम अदर प्रॉब्लम्स। सो इन कोल्ड एंड हॉट वी डोंट एडवाइज, अदरवाइज यू गेट वरी डेड। जिन पेशेंट्स का हार्ट बहुत ज्यादा वीक है और द पेशेंट इन विच हार्ट इज 30% और लो, वी एडवाइज देम टू डोंट गो फॉर अ वॉक आफ्टर टेकिंग फूड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। अदरवाइज anyone can go anytime, no problem. It's up to his condition, but he should go for a non stop 30 minutes walk. ऐसी चीज जो सारी दुनिया में सिखाई जाती है जो उसकी जान बचा सकती है, उसी का एक अपोजिट एग्जाम्पल है। एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हुई 6 महीने पहले, उसके बाद उसका हार्ट वीक था, रिकवर नहीं कर पाया। उसके बेटे की शादी थी, वो दिल्ली गुड़गांव में शॉपिंग करने आया, मॉल में उसको अरेस्ट हो गया। किस्मत से एक सीआरपीएफ का पुलिस वाला वहां से निकल रहा था, उसने उसको देख लिया। सीआरपीएफ में मिलिट्री में सबको ट्रेनिंग दी जाती है, इसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग CPR। उसमें आपने फिल्मों में देखा होगा चेस्ट को प्रेस करते हैं, मुंह में सांस लेते हैं, दो चीजें होती हैं कि पेशेंट को सिर हटा देना है, उसको रेस्ट हो गया तो उसके बाद उसके चेस्ट को प्रेस करना है बिल्कुल सेंटर में इस तरह से कि उसके हार्ट की पंपिंग शुरू हो जाए, और बीच में उसको मुंह से सांस लेते रहना है। 45 मिनट्स तक वो सीआरपीएफ का जवान उसको मसाज करता रहा, जब तक कि मैदान तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फिर हम वहां पहुंचे, उसको बेजी का शॉक दिया, वो ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, आज आराम से घूम रहा है। गरीब आदमी था बेचारा, तो पैसे वाला जिसको साइज सुविधा थी वो मर गया अपनी कार में सुविधा बच्चों के साथ होते हुए, और एक गरीब आदमी सीआरपीएफ के जवान की वजह से बच गया। तो इसमें कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है, जिसको किस्मत अच्छी वो बच जाएगा। पर्पज कहने का ये कि जो बेसिक सपोर्ट है, कम से कम जिन लोगों के घर में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है उनके घर में कम से कम कुछ लोगों को आना चाहिए कि कैसे करना है। उसको हम बोलते हैं बायर स्टैंडर्ड CPR की। कोई भी आदमी, जैसे स्कूल के 11वीं 12वीं के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, आइडियली सभी को ये चीज सिखाई जानी चाहिए। हम लोग काफी गवर्नमेंट से भी कोशिश करके कर रहे हैं, स्कूल में प्रोग्राम चला रहे हैं इस चीज का, कंपनीज भी हमें काफी सपोर्ट कर रही है इसमें, कि उनको सिखाया जाए कि कैसे CPR देना है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट। तो बेसिकली बहुत सारे नाम है इसके, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी हम बोलते हैं BLS। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट आना बहुत जरूरी है सभी को। अगर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं देते हैं पेशेंट को, तो 100 में से एक ही जना बच पाता है जिसकी अपने आप धड़कन ठीक हो गई, हार्ट की बॉडी ने ट्राई किया और बाई चांस ठीक हो गई। 99% लोग विद इन 10 मिनट्स डेथ हो जाती है, इतना कम टाइम होता है कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अगर कोई जना मिल जाए जो ये सपोर्ट सपोर्ट दे सकता है, अच्छे से दे सकता है, तो 60-70% पेशेंट्स की जान बच सकती है, और 90% डेथ का कॉज सडन कार्डियक डेथ होता है। अल्टीमेटली हार्ट की धड़कन खराब होती है और वो रिवाइव नहीं हो पाती, यही कारण होता है डेथ होने का ज्यादातर लोगों का। अल्टीमेट जिनके हार्ट बिल्कुल खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनको और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हार्ट कमजोर है, उनकी जिंदगी बच सकती है। ऐसा एक बार वो एक मशीन लगा लो, एक छोटी सी मशीन आती है, उसको बोलते हैं ICD, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। इसका वही काम है जो बिजली का शॉक फिल्मों में आप देखते हैं, जैसे हार्ट को अरेस्ट हो गया, बिजली का शॉक दिया, पेशेंट ठीक हो गया,
वो मशीन अपने आप डिटेक्ट कर लेती है कि पेशेंट का अरेस्ट हो गया है और शॉक देके ठीक कर देती है। तो सबसे पहली जरूरत है अवेयरनेस की, एटलीस्ट इस लायक हो कि हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसकी जान बच जाए, उसको इतना साथ मिल जाए कि उसको डेथ ना हो। उसके बाद फ्यूचर के लिए ये न्यू एडवांसमेंट आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं जिससे हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी में, बहुत छोटे से ऑपरेशन से इम्प्लांट होता है और उसके बाद फ्यूचर में वो कहीं भी जाता है, उसको ऐसा होता है तो उसकी जान बच सकती है। अभी रिसेंटली एक और पेशेंट आई थी, उसको हमने 8 साल पहले मशीन लगाई थी, उसके बेटे की शादी थी, 3 दिन पहले उसने कुछ दवा खाई, कई सारी ऐसी दवाएं होती है जो हार्ट को नुकसान हो जाती है, उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसने फंगल इन्फेक्शन दवा खाई और उसके बाद उसकी धक्का खराब, उसके अरेस्ट हो गया। शादी के दिन 2 दिन पहले कुछ मुहूर्त के टाइम पे अरेस्ट में बेहोश हो गई, वो मुझे धार लगे लेकिन किस्मत से मशीन लगी हुई थी, उसने शॉक दिया, 5 मिनट वोट के वापस से ठीक हो गई। अगर वो मशीन नहीं होती शी कुड हैव डाइड ऑन दैट डे। उसी चीज है, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और उसकी नस 100% बंद है और कोई डॉक्टर कह रहा है कि खोलनी है, तो वो एक टाइम है जब बिना डिले किए उसको इमीडिएटली खोल देना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार नस बंद होने से अगले 12 घंटे में हार्ट डैमेज हो जाता है, एक बार जो डैमेज हो गया उसके अंदर कितना भी स्टेंट डाले वो रिकवर नहीं करता है। तो सबसे पहला फोकस है कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े कि टाइमली इलाज कराएं, अगर फिर भी टाइमली इलाज नहीं हो पाता है, हार्ट वीक हो जाता है, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर अरेस्ट हो जाए घर में तो कैसे उसकी जान बचाए रखनी जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए। उसके बाद जब वो मेडिकल हेल्प आ जाती है, जब वो घर चला जाए पीछे से उसको कुछ ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है, तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप टाइमली इलाज हो जाए, किसी भी पेशेंट को कोई चर्चा नहीं चलता हुआ एंजियोग्राफी कराने गया, उसको कहा गया केंद्र राशि लगा करानी है, इट कैन टेक सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी नस पूरी बंद है, उसको ये सब बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। हमारा भी कोई पेशेंट होता है, फोन आता है, हम कहते हैं नहीं चला लो, हमारे पास बताओ जब तक आओगे तब तो हार्ट डैमेज हो जाएगा, एक बार नस खुल जाएगी हार्ट बच जाएगा बाद में हम देख लेंगे। तो पहली चीज हो गई टाइम से अवेयरनेस है ना, अपनी बॉडी को फिट रखना। बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी एक्सरसाइज, कितना भी खाने के ऊपर आप परहेज करें, सबसे ज्यादा इंजॉय में पूछा जाता है खाना क्या खाना है, तेल कौन सा खाना है, ये खाना है वो खाना है, आलू खाना है, बादाम खाना है, इस सबसे ज्यादा जरूरी है पूछना कि कितनी एक्सरसाइज की जाती है। कम से कम 10,000 स्टेप अगर आप रोज चलते हैं नॉन स्टॉप, स्पेशली नॉन स्टॉप, एक होता है दिन में आप यहाँ घूमे वहां घूमे वहां घूमे वहां रुके, आपके स्टेप ज्यादा हो गए, वो भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप वास्तव में अच्छा चाहते हैं तो कम से कम 5,000 स्टेप नॉन स्टॉप होने चाहिए थोड़ी तेज स्पीड में। उससे आपके हार्ट की हेल्थ बनी रहेगी, हार्ट इस लायक होगा कि कोई लोड पड़े तो सक्षम हो जाए,